अच्छा जी, अब इस मोबाइल के स्क्रीन में आप लोग जो देख रहे हो, जी अब इस मोबाइल स्क्रीन में जो आप लोगों को नजर आ रहा है, उसमें अगर आप गूगल प्ले पर जाएं तो यहाँ पे कैम स्कैनर लिखेंगे, स्पेस के साथ करें कैम स्कैनर, लिख के सर्च पे क्लिक कर दें तो आपके पास CS, ये जो नजर आ रहा है इस वक्त CS, चूंकि मेरे इंस्टॉल्ड है इसलिए वो अपडेट की ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास लाजमी तौर पे यहाँ पे इस जगह पे अपडेट की जगह पे इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी अगर आप लोगों ने पहले इंस्टॉल नहीं किया। तो ये हमारे पास कैम स्कैनर अभी तक जो मैंने मुख्तलिफ यूज किए हैं उनमें सबसे बेहतर मुझे यही लगा है। अगर आप लोगों के पास कोई और भी ऑप्शन मिलती है तो आप कर सकते हो। मतलब हमारा ये है कि हमने अपने लिखे हुए को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आप उसको अपने असाइनमेंट के साथ अटैच करेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। कुछ लोग JPG की सूरत में यानी पिक्चर्स की सूरत में उसको सेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो एक अटैचमेंट नहीं रहती बल्कि मल्टीपल अटैचमेंट्स हो जाती हैं, तो उसमें से वो आगे पीछे हो जाती है। लाजमी तौर पर रुक पेज नंबर 1 हो सकता है चौथे नंबर पे चला जाए, चौथा पेज दूसरे पे आ जाए, तो उससे बचने के लिए हम उसको PDF की फॉर्म में लेके आएंगे तो वो हमारे पास एक तरतीब से रहेगी साइन। तो कैम स्कैनर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा ओके, जिन लोगों ने नहीं किया वो इसको कर लें। उसके बाद अगला काम क्या होगा कि आपने कैम स्कैनर ओपन करना है। अब कैम स्कैनर ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा CS की फॉर्म में, ये इसको आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद जो आपके पास डिस्प्ले आएगा वो कुछ हिस्ट्री कैसे आएगा, ये बेटे फालतू फालतू आवाज नहीं, अपने माइक बंद कर लें। अच्छा अब यहां पे क्लास चल रही है, सॉरी सॉरी आप करो तो मैं दुकान जाना, मैं आपसे बंद हूँ। बेटे अपनी आवाजें बंद करेंगे जरा, ओके। तो यहाँ पे आपको कैम स्कैनर ओपन करने के बाद ये बन रहा है। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे जो कैमरे का आइकन नीचे नजर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। कैमरे के आइकन पर क्लिक करने से हमारे पास ये कैमरा ओपन हो जाता है, जस्ट लाइक जो दूसरा कैमरा है उसी तरह का कैमरा काम करेगा। लेकिन हमने करना क्या होगा कि हम इसको लेके जाएंगे अपनी असाइनमेंट पेपर के ऊपर। जब हम इसको असाइनमेंट पेपर के ऊपर लेके जाते हैं तो आप देख रहे हो कि वो पेपर को देख रहा है, आपने बिल्कुल उसके ऊपर सीधा करके यहाँ पे कैमरे का जो आइकन बना हुआ है ग्रीन कलर में नजर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उसको स्कैन कर लेगा। अब यहाँ पे आपको जो बॉक्स सा नजर आ रहा है ये ऐसा ही है जैसे आप क्रॉपिंग वाला काम करते हो, आप इसको फुल पेज तक ले जाएं, बड़ा कर लें पेज के किनारों तक। उसके बाद ये नीचे जो एरो लगा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो ये हमारे पास स्कैन हो जाएगा। नीचे आपके पास मुख्तलिफ इसके कलर्स नजर आ रहे हैं कि मैजिक कलर पे मैंने किया हुआ है, इससे ये होता है कि जो शेड्स वगैरह होती है वो खुद ही रिमूव कर देता है टेक्स्ट के अंदर। पिक्चर्स के अंदर इसको नहीं करेंगे, पिक्चर्स के अंदर फिर वो प्रॉब्लम करता है, तो टेक्स्ट के अंदर ये बेहतरीन ऑप्शन होती है मैजिक कलर वाली। जब आपको लगे कि ये तस्वीर आपने सही स्कैन की है तो आप सेव पर क्लिक, यानी जो वो गुड का मार्क लगा हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये एक पेज हो गया। अब आपने फिर दोबारा इसी के साथ कैमरे के ऊपर क्लिक करना, अगले पेज को स्कैन करना, आप थोड़ा सा साइडों से मार्जिन रख के स्कैन कीजिएगा और वो खुद ही उसको डिटेक्ट कर लेगा कहाँ तक पेज मौजूद है। तो ये देखेंगे उसने खुद ही अपने तौर पे कर लिया, ना हो तो आप उसके किनारों तक खुद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने से हमारे पास ये दोबारा वो स्कैन हो जाएगा और इस तरीके से हम जितने भी पेजेस होंगे उन तमाम को स्कैन कर लेंगे। अब ये काम हो गया हमारे पास स्कैनिंग वाला। स्कैनिंग करने के बाद हमारा
नेक्स्ट काम होगा इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप वापस जाएंगे, इसको सेव करने के बाद वापस गए, सेव किया तो ये हमारे पास अब दो पेजेस हो गए। अब इन दो पेजेस को किस तरह, हम अगर 10 पेजेस भी हैं वो सारे के सारे इसी जगह पे आ जाएंगे। ऊपर आप गौर करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट, उसने कुछ नाम दिया है 7/7/2020, ये हमारे पास उसका नाम दिया हुआ। तो आपने इसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ की सूरत में लेके आना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक शेयर की ऑप्शन है जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये शेयर की तरफ चला जाता है। मैं इसको दूसरी पीडीएफ उसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पीडीएफ पर। जैसे ही मैं पीडीएफ पे करूंगा तो पहले पेज से लेकर जितने भी पेजेस उसमें होंगे वो सारे उसमें ले आएगा। ये इस वक्त उसने दो पेजेस कर दिए। अब ये करने के बाद यहाँ पे शेयर पर क्लिक करेंगे। जब आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। आप व्हाट्सएप के जरिए भी उसको शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोगों को मुश्किल आ रही हो तो आप अपना एक किसी दूसरे अकाउंट पर उसको व्हाट्सएप कर लें, वहां से आप डाउनलोड कर लें। ना हुआ तो आपको यहाँ पे सेव टू लोकल, ये जो इस वक्त पहले पॉइंट पर नजर आ रही है सेव टू लोकल, ये हमारे पास ऑप्शन होगी जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। सेव टू लोकल का मतलब ये होगा कि ये आपके अपने मोबाइल के ऊपर ही सेव करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने इसको सेव कर दिया। और ये कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा कैम स्कैनर के अंदर पीडीएफ के फोल्डर में। अब मैं इसको ढूंढता हूँ, ये हमारा काम यहाँ पे कैम स्कैनर का खत्म हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ जब आपने अपनी असाइनमेंट लिख ली हुई है। अब यहाँ से क्या करूंगा कि वो माई फाइल वगैरह हो सकता है, फाइल एक्सप्लोरर हो सकता है, या जो भी आपका ऑप्शन हो आपके पास उस पर जाएंगे। वहां जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कैम स्कैनर। आप गौर करेंगे कैम स्कैनर का फोल्डर नजर आ जाएगा। अब कैम स्कैनर के फोल्डर में जाएंगे, वहां पर पीडीएफ का फोल्डर एक बना हुआ है। अब इस पीडीएफ के फोल्डर में ये हमारे पास वो फाइल थी जो हमने अभी स्कैन की। अब गौर करेंगे ये फाइल मौजूद है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो फाइल कहाँ पर है। इसके लिए जब आपने फाइल सर्च कर ली, लोकेट कर ली, तो आप इसको कहीं और कॉपी करना चाहें तो जैसे आप कॉपी करते हो कॉपी भी कर सकते हैं। मैं यहीं से इसको अटैच करने की कोशिश करूंगा। यहां तक अगर कोई चीज पूछने वाली है तो पूछ लें अपने आप को अनम्यूट करके। नो सर। ओके, वेरी गुड। अब उसके अगला हिस्सा क्या होगा? अगला हिस्सा होगा कि हमने गूगल क्लासरूम में उसको अटैच करना है। अब मैं क्लासरूम में चलता हूँ। गूगल क्लासरूम का ये हमारे पास आ गया, ये एक स्टूडेंट की तरफ से है, यानी ये इस वक्त मैं, हाँ जी मुनीर, एक स्टूडेंट मैंने एनरोल किया हुआ है डमी आपकी क्लास में। तो ये उस स्टूडेंट का डैशबोर्ड है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अब इसमें आप देखें कि न्यू असाइनमेंट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स 1, यही वाली असाइनमेंट थी जो आप लोगों ने करनी थी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब अगर इसमें आप गौर करें, सबसे ऊपर ड्यू टुमारो 11:59 तक, यानी रात 12 बजे तक, कल रात 12 बजे तक आप इसको जमा करवा सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लिखा हुआ है, उसके बाद इसके नंबर लिखे हुए हैं, 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और 16 लोगों ने कमेंट किया हुआ है। ये मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। ये वो अटैचमेंट है जिसको की बेस पर आप ये बनाएंगे, यानी वीडियो देखेंगे और साथ साथ मैं करता ये हूँ कि जो आपकी वीडियो बनाता हूँ ना, तो वहां पे जो स्क्रीन होती हैं उन पे कोशिश करता हूँ मैक्सिमम लिख दू। मैक्सिमम लिखा होने का फायदा आप लोगों को ये होता है कि आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, देख के लिख सकते हैं, पास कर लिया करें वीडियो और वहां से लिख के फिर आगे चले जाया करें। तो इससे ये होता है कि आपके वीडियो देखने के साथ साथ ये आपके नोट्स बन जाते हैं। यानी अगर आपको आधे घंटा वीडियो देखने पर लगता है तो 15 मिनट और लगेंगे, तो वो सारी आपके नोट्स भी साथ ही तैयार हो जाएंगे, और तैयार होने के बाद आपने इस तरीके से स्कैन कर लेना। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे जो इस वक्त मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगा, हाँ जी, जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो अटैचमेंट है, उसके बाद नीचे योर वर्क के नीचे लिखा हुआ है एड प्राइवेट कॉमेंट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो सिर्फ टीचर देख सकेगा, और उसके बाद एड अटैचमेंट है। अब यहाँ पे अटैचमेंट पे मैं अगर क्लिक करूं तो उस सूरत में
मेरे पास जो ऑप्शंस आती हैं उसमें ड्राइव, लिंक, फाइल, टेक, फोटो, रिकॉर्ड, वीडियो, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू स्लाइड, न्यू शीट, न्यू पीडीएफ, ये सारी हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे काम क्या होगा कि हम फाइल तो पहले से बना चुके हैं, हमने उस फाइल को अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे। अब फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो पूछ लेता है जी कहाँ पर जाना है। तो आपने चूंकि मैंने चूंकि ये पहले किया था, आप जस्ट इसको कैम स्कैनर वाली फोल्डर सर्च करके या जहाँ पे आपकी फाइल अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा चलता हूँ एड फाइल, यहां से ये जैसे गैलरी में अगर है तो गैलरी भी आ जाएगा, ड्राइव के अंदर अगर आपने सेव किया वो आ जाएगा, डाउनलोड है, वीडियो है, रिसेंट में चले जाएं। ये अगर फर्ज करें हमारे पास इस वक्त ऑप्शन है तो जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, तस्वीरें नजर आएंगी, लेकिन हमने जाना है अपने फोल्डर के ऊपर जहाँ हमारी फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे इस जगह पे आपको नजर आ रहा है फोन का नाम नजर आ रहा है। फोन का नाम मतलब ये कि आप लोगों के पास यहाँ पे अपना फोन होगा और इसके साथ ही अगर SD कार्ड उसमें आपने डाला हुआ है तो वो भी साथ आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी मेमोरी के आपके पास फोल्डर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कैम स्कैनर के फोल्डर में जाना है हमने, ये हमारे पास कैम स्कैनर का फोल्डर है। आप कैम स्कैनर के फोल्डर में जाएंगे तो इसके अंदर फर्दर PDF के फोल्डर को सर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने PDF के फोल्डर पे क्लिक किया। अब PDF के फोल्डर में ये सारी फाइल थी, ये मैंने वो फाइल थी जो अटैच करना चाहता हूँ, क्लिक किया। जिस फाइल को मैं क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अब ये कुछ वक्त लेगा अटैच होने में, अल्टीमेटली ये अटैच हो जाएगी। वेट कर लेते हैं जी। अब ये अटैच हो चुकी है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो न्यू फाइल जो हमने अटैच की थी वो यहाँ पे अटैच हो गई है। अब उसके बाद इसके अगर आप देखेंगे ऊपर ये एरो सा बना हुआ है। अभी आपका यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, आप लोगों को लग रहा होगा ये इतना मुश्किल काम है, लेकिन आप एक दफा कर लेंगे तो उसके बाद मुश्किल नहीं होगा। ये समझाने के लिए मुझे इतना डिले करना पड़ रहा है। ये एरो जो लगा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैं इस एरो पर क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, अगर मजीद अटैच करनी है तो यहाँ पे एड अटैचमेंट कर लें, लेकिन हर असाइनमेंट के साथ कोशिश करें कि एक ही PDF अटैच करें। और उसके बाद आपने जस्ट हैंड इन पे क्लिक करना है। जब आप हैंड इन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे रीसबमिट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं पहले एक दफा प्रैक्टिस कर चुका था, ये यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होगा आपके पास पहली दफा। तो मैंने सबमिट करवा दिया। सबमिट करवाने के बाद ये यहाँ पे अब बटन बन गया है अनसबमिट का। अगर आपको ऑप्शन दी हुई है दोबारा सबमिट करवाने की तो वहां पे अनसबमिट का आ जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आपकी ऑप्शन खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास था सारे का सारा काम। यहाँ पे गौर करें कि योर वर्क पहले असाइंड था, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस जगह पे एरो नजर आ रहा होगा आपको कि हैंडेड इन लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब आपने ये जमा करवा दी है। ये था जी हमारे पास कि हमने असाइनमेंट अगर जमा करवानी है तो उसके साथ हम किस तरीके से अटैच करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट। जी बेटे, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर जी। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ। ओके, अब मैं ये काम करता हूँ कि इसकी बजाय ना अब दोबारा स्क्रीन शेयरिंग की तरफ जाता हूँ। मैं अगर थोड़ा सा सर जी, आपने देख लिया ये हमें कैसे पता चलेगा? मैं अभी उसी की तरफ आ रहा हूँ। ये मिसाल के तौर पे मैं अब टीचर एंड पे आ गया हूँ। अब टीचर एंड के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के पास। आप लोग समझते होंगे कि हमें खपाते रहेंगे, इनको कौन सा पता चलेगा। अच्छा जी, चलें जी, इसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। अब आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। ये आपकी क्लास है जो इस वक्त मेरे साथ 304। अगर इसमें आप गौर करेंगे, मैं इसको स्क्रोल अप करता हूं,
दिस इज फिजिक्स विद फन पोस्टेड आ न्यू असाइनमेंट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यही असाइनमेंट थी आपकी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आ गई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वन टर्न्ड इन, ये नजर आ रही है ना सबको, वन टर्न्ड इन और 95 असाइन, यानी 95 लोगों को अभी मैंने असाइन की हुई है जिन्होंने इसका रिस्पांस नहीं दिया, जबकि एक ने रिस्पांस दे दिया जो अभी हमने किया है। जिन लोगों ने मुझे पहले रिस्पांस किया था, एक दो ने उन्होंने अटैचमेंट नहीं की थी, इसी वजह से ये मैंने दोबारा किया। अब गौर करें कि यहाँ पर साइड पे भी मेरे पास एक पैनल बन रहा है, ऑल स्टूडेंट्स सॉर्टेड बाय, ये टर्न्ड इन, जितने भी टर्न्ड इन है वो सिर्फ एक ही है, ये नजर आ रहा है। अब मैं अगर इसको देखना चाहता हूं कि इसने मुझे क्या भेजा है, तो मैं जस्ट उस पर क्लिक करूंगा तो ये साइड पे उसका बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे गौर करें कि ये मुनीबुर रहमान नजर आ रहा है, उसके नीचे ये वो पीडीएफ है, मैं इस पीडीएफ को क्लिक करूंगा, ये अब टीचर एंड पे है, स्टूडेंट इसको नहीं देख सकता, पीडीएफ को वो ओपन करेगा, ये फाइल ओपन हो रही है। अगर मैं चाहूं तो इसको डाउनलोड भी कर सकता हूं, अदरवाइज मैं इसको यहीं पर ही, ये जैसे मेरे पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में नजर आ रही है। अब एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि यहीं पे इसको चेक करके इसकी मार्किंग करूं और यहां पे इसके नंबर लगा दूं, इसको 7 मार्क्स में देता हूं, और यहाँ पे चेंज टोटल पॉइंट अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने 10 नंबर पहले से दिए हुए थे इसलिए 10 ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे थे। मैंने जैसे ही मैं किए, ये हमारे पास नई विंडो में ओपन करने के लिए भी ऑप्शन मेरे पास है देखने के लिए, और यहाँ पे रिटर्न करने के लिए। अब रिटर्न का मतलब क्या होगा कि जब मैंने इसको मार्क कर लिया तो मैंने वापस स्टूडेंट को कैसे सेंड करनी है। मैं जैसे ही इसको रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ, जैसे ही रिटर्न करता हूँ अब मैं दोबारा ये ग्रेडेड, अब ये इसकी नंबरिंग हो चुकी है, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये ग्रेडेड की ऑप्शन भी है, जो जिनके नंबर्स लग चुके हैं तो ये ग्रेडेड में मोहम्मद मुनीबुर रहमान है और इसके टोटल मार्क्स 7 out of 10 है, तो यहाँ पे ये मेरे पास इस वक्त इसकी तफसील है। अब मुनीब को कैसे पता चलेगा, यानी स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा, इसके लिए फिर मैं शेयर करता हूं मुनीब की स्क्रीन को, शेयर स्क्रीन, इसके क्लासरूम में जाता हूं। अब अगर इस क्लासरूम में देखें तो दोबारा इसी में आया न्यू असाइनमेंट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यहां पे मैं क्लिक करता हूं, ये हमारे पास योर वर्क में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 7 over 10 आपको नंबर जितने भी हैं वो मिल चुके हैं, यानी वो यहाँ से वो अगर मैंने कोई कमेंट किया होगा वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज ये काम हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी असाइनमेंट जमा भी हो गई, उसकी ग्रेडिंग भी हो गई और उसको रिटर्न भी हो, बात समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं और उसके साथ किस तरीके से फाइल को अटैच करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।